सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो में। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक वेब सीरीज के बारे में। तो अगर आपको रोमांटिक वेब सीरीज बहुत पसंद है, अगर आपको रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है, तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जहां हम आपके लिए 5 ऐसी वेब सीरीज लेके आए हैं जो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और रोमांस से भरी है। और गाइस, इन वेब सीरीज को मैंने अपने हिसाब से रैंकिंग दी है। अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा रोमांटिक है, ये पहले नंबर पे होनी चाहिए, दूसरे पे होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट रोमांटिक वेब सीरीज कौन सी है और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक वेब सीरीज। नंबर 5, यू, विद अ आईएमडीबी रेटिंग ऑफ 7.7 आउट ऑफ 10। ये एक यूएस की वेब सीरीज है जो सितंबर 9, 2018 को फर्स्ट प्रीमियर हुई थी विद 4 सीजंस। तो कास्ट की बात करी जाए तो बेन बॉगले, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, ये सब इनमें शामिल है। तो स्टोरी की बात करी जाए तो वो बेस्ड है इसके मेन कैरेक्टर जोए गोल्डबर्ग के ऊपर, जो एक बुक मैनेजर है और सीरियल किलर भी है। इसमें बताया गया कि कैसे वो अपने प्यार में फेल हो जाता है और उसके प्रति उसकी एक्सट्रीम ऑब्सेशन कैसे बनती है, कैसे उसको एलिजाबेथ का प्यार नहीं मिलता और वो क्या क्या करता है इस सीरीज में। ये भी बहुत बढ़िया सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि एक दफा प्यार क्या होता है। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है ये सीरीज देखने में, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे एक सनका हुआ आदमी जब प्यार में पड़ता है तो क्या क्या करता है। ये भी एक यूएस की वेब सीरीज है जिसके टोटल 4 सीजन है और पहले 2 सीजन तो इसके बहुत कमाल के हैं। ये सीरीज 31 मार्च 2017 को फर्स्ट प्रीमियर हुई थी और कास्ट की बात करी जाए तो इनमें डायलन, अलीशा, कैथरीन शामिल हैं। तो स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो इसमें एक टीनेज लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम है हैना बेकर, और वो कैसे शिफ्ट होती है एक शहर के दूसरे शहर में और वहां पर उसको कैसे उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, सारे लोग उसे बुली करते हैं। इसमें हैना बेकर जो कि सुसाइड कर लेती है और पीछे अपने 13 टेप्स छोड़कर जाती है, वो भी रिकॉर्डेड, और ईच टेप रिप्रेजेंट करती है कि कौन से पर्सन ने इसको बुली किया है और किसकी वजह से इसने अपनी जान दी है, और हर एक एपिसोड एक टेप के ऊपर घूमता है। डिटेक्टिव और लव ट्रायंगल वाली ये वेब सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखें कि कैसे इसमें जो डायलन होता है उसको मतलब कम्प्लीटली उसको प्यार करने लगता है और मतलब उसको क्यों नहीं बचा पाया। और जब आप ये सीरीज देखेंगे तो आप भी इस दुनिया में खो जाएंगे। नंबर 3, द वैम्पायर डायरीज विद द आईएमडीबी रेटिंग ऑफ 7.7 आउट ऑफ 10। इसके भी 8 सीजन है और ये फर्स्ट प्रीमियर हुई थी 2009 को। कास्ट की बात करी जाए तो इनमें है डेमन सल्वाटोर, एलिना गिल्बर्ट और स्टेफन सल्वाटोर। इसकी स्टोरी वैम्पायर्स के आसपास घूमती है और इसमें बताया गया कैसे स्टेफन सल्वाटोर को एलिना गिल्बर्ट से प्यार हो जाता है पहले मिले ही, और एलिना जो कि एक टीनेज लड़की है हाई स्कूल में पढ़ती है, सारी स्टोरी इनके आसपास ही घूमती है कि कैसे पहले एलिना को स्टेफन के साथ प्यार होता है और बाद में वो डेमन सल्वाटोर के साथ हो जाती है। और इन तीनों का लव ट्रायंगल बहुत ही कमाल का है भाई, नेक्स्ट लेवल का है। और भी कैरेक्टर्स इसमें शामिल है जैसे कि ओरिजिनल वैम्पायर्स और विचेस, उनका भी मतलब देखने लायक है। सो अगर आपने ये सीरीज अभी तक जाके नहीं देखी तो प्लीज जाके देखें, क्योंकि अगर आपको रोमांटिक लव वाली सीरीज पसंद है तो ये भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। नंबर 2, सेक्स एजुकेशन विद द आईएमडीबी रेटिंग ऑफ 8.3 आउट ऑफ 10। ये भी एक यूनाइटेड किंगडम की वेब सीरीज है जो कि 2019 को फर्स्ट रिलीज हुई थी और इसके टोटल 3 सीजन है और चौथा सीजन भी आने वाला है। कास्ट की बात करी जाए तो इनमें ओटिस, मेव एंड एरिक। इसकी स्टोरी भी हाई स्कूल में ही घूमती है, कैसे एक दूसरे से बच्चे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ओटिस और मेव जो कि धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता और बाद में उनके प्रति फीलिंग्स बढ़ती रहती हैं, लेकिन बाद में ओटिस को उसके साथ लव हो जाता है और लेकिन वो उसको बताता नहीं है। जब वो अमेरिका जाने वाली होती है अपने दूसरे कॉलेज में तो तभी उसको मैसेजेस करता है लेकिन वो पिकअप नहीं करती, और लास्ट में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे मेव बताती है कि वो दूसरी कंट्री जा रही है, और इसके बाद ही सीजन खत्म हो जाता है और 4th सीजन अभी इसका नेक्स्ट आने वाला है दिस ईयर। तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो जरूर जाके देखें, क्योंकि आपको भी इसमें बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन पसंद आएंगे। नंबर 1, इट्स ओके नॉट टू बी ओके विद द आईएमडीबी रेटिंग ऑफ 8.6 आउट ऑफ 10। ये एक साउथ कोरिया कंट्री की वेब सीरीज है जिसके सिर्फ 2 सीजन है विद 16 एपिसोड्स। इसमें 2 भाइयों के बारे में बताया गया है जिसमें बड़े को तो कोई डिसऑर्डर होता है और छोटा उसका ध्यान रखता है जो एक डॉक्टर भी होता है, और बाद में मुंगची की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है मुन्योंग, जो कि एक बुक राइटर है और काफी फेमस भी है, और पहली मुलाकात में इसको मुंगची के साथ मतलब प्यार हो जाता है और वो पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागती है। पहले पहले तो मुन्योंग को पहले इतना इंटरेस्ट नहीं होता था लेकिन बाद में उनका रिलेशनशिप बढ़ता जाता है। लव ट्रायंगल के साथ साथ ये एक कॉमेडी सीरीज भी है जिसमें थोड़े बहुत सीन ऐसे हैं जिसमें बहुत हंसी भी आती है और आपको बहुत एंटरटेन भी करेगी। सो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो जरूर जाके देखें। हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।